गई है, वो वकार वापस जाना चाह रहा है। जाना चाह रहे तो जाने दे। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, हिमन साथ जाएगी उसके। उसने कहा है आपसे कि वो हिमन को ले जाने आए? उसने कहने वाली क्या बात है, इसीलिए आया है वो कि हिमन को वापस लेके जाए? हिमन को साथ ले जाने नहीं आया, वो सिर्फ आप लोगों के सामने खुद को सच्चा और हिमन को झूठा साबित करने आया। सुरैया मेरी इतनी उम्र हो गई है कि मैं सच और झूठ का फर्क समझ सकता हूँ। क्यों नहीं आपने और अम्मा ने उससे सवाल किया कि क्या मेरी बेटी बोझ है मुझ पे? नहीं, मैं किसी कीमत पे उसे उस दरिंदे के हवाले नहीं करूंगी। सुरैया मैं बात खत्म करना चाहता हूँ, हम सबकी भलाई इसी में है कि हिमन वकार के साथ वापस चली जाए। अगर हिमन नहीं जाए तो क्या नुकसान हो जाएगा? घर वापस लेने का मुतालबा कर देंगे। कैसे कर सकता है वो मुतालबा, भाईजान का घर है ये, जब तक भाईजान जिंदा है वकार मुतालबा नहीं कर सकता। भाईजान तड़प रहे हैं वकार से सुलह करने की, और जिस दिन ये काम हो गया हमें इस घर से निकाल देंगे उसके एक इशारे में। लेकिन मैं इस घर को बचाने की खातिर अपनी बेटी की जिंदगी को दाव पे नहीं लगाऊंगी। भूखी मर जाऊंगी, सड़क पे रह लूंगी, लेकिन अपनी बेटी कुर्बान नहीं करूंगी। मैं भी इतना खुदगर्ज बाप नहीं हूं कि अपनी बेटी को कुर्बान कर दूंगा। सर ये बस मैं ये चाहता हूं कि मेरी बच्ची का घर किसी तरह बच जाए। मानो या ना मानो, तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं मैं अपनी बेटियों से। ठीक है, मांगे माफी वो हिमन से, हम सब से, तो जाने दूंगी अपनी बेटी को उसके साथ। अरे अपने दामाद से माफी मंगवाओगी? उसका ये घिनौना रूप एमन ने देखा है, आपने नहीं देखा फसाहत? तुम एमन को समझाओ कि वो वकार को एक मौका और दे। मौका दे कि उसके जिस्म में जो दो सांसें रह गई हैं वो भी खत्म हो जाए। मनी कैसे बाप है?